चल कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। कैसे आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइज। और सुबह से हो गया शाम और मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोगों को गुड इवनिंग। शाम हो गया है इसलिए, और अभी मैं सो गई थी। क्यों, सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे काम ख़त्म होकर खाना खाने के बाद बहुत नींद आता है, तो मैं सो जाती हूँ। कितना भी कुछ करो मैं सो ही जाती हूँ। तो अभी शाम हो गया है तो अभी मैं जा रही हूँ चाय नाश्ता करने, उसके बाद खाना पकाऊँगी। आजकल हमारा बारिश जब स्टार्ट हो जाता है ना तो खाना पीना जल्दी हो जाता है और हम भी सो जाते हैं जल्दी। तो आज मैं ये लगाई हूँ क्योंकि मेरा बाल उठता है हमेशा भुतनी जैसा, तो मैं ये पहले भी लगाती थी बट अभी बीच में छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पास नहीं था। था तो भी है, देखो ये तोड़ तोड़ के रखती है सब चीज़ मेरा, दो दिन लगाएगी तोड़ के रखेगी, तो इसके वजह से मैं कुछ लाती नहीं। और अभी लेके आई हूँ दो ब्लैक, उसके लिए सेपरेट, मेरे लिए एक। तो ये अभी कर रही है स्टडी और बाबू चला गया है ट्यूशन, और मैं कुछ ऑर्डर किया था जो आ गया है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी ये क्या है। तो आप लोग कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी ये क्या है। तो चलिए तब तक मैं थोड़ा सा स्टॉप करके चाय नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलूँगी। क्योंकि मैं लाइट का नीचे बैठी हूँ इसलिए बहुत लाइट लाइट दिख रही हूँ, गोरी गोरी, लेकिन मैं हूँ नहीं इतना गोरी। हाँ सच में, सच में ना है कि नहीं, मैं गोरी हूँ कि काली हूँ? झूठ मत बोल। आपका ये है इसलिए थोड़ा आपको काला लगता है। क्या है? पिंपल। पिंपल कहाँ है पिंपल? वो बोलते हैं ना, आपने कल ही बोला क्या भाई को? क्या पहले नहीं दिखता बाद में दिखता है? सही पकड़े। तो गाइस मेरे को भी थोड़ा थोड़ा पिंपल हो गया था, लड़की थी तभी तो दाग हो गया है देखिए। और मेरा जिससे लड़की थी तभी हुआ था, और इसमें एक तिल है, मेरे गाल में एक तिल है देखिए। मेरे मम्मी को भी यहाँ पे एक तिल है, मुझे भी यहाँ पे एक तिल है, और बाबू का पापा को यहाँ पे तिल है, और बाबू को भी यहाँ पे तिल करना। तो गाइस चलिए मैं चाय नाश्ता करके आती हूँ, उसके बाद मैं ये दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, चलिए मैं जा रही हूँ चाय नाश्ता करने। ये तो मैं देखे थे ना, तो ये मंगल सक्सेना जी से बात करनी है, उन्हें बुलाइए। क्या हुआ, उन्होंने कुछ किया है क्या? उन्होंने सारे दिल्ली में तहलका मचा रखा है, दिल्ली के नागरिकों के लिए एग्जाम्पल बनी है वो, उन्हें बुलाएंगे। मैं काट सी नहीं थी, पूरा बारीक नहीं कर। सो गाइस तो देखिए मैं बना रही हूँ अभी पकौड़ी, छान रही हूँ पकौड़ी, छान रही हूँ। और कभी अभी कुछ भी नहीं हुआ है, चार हुआ है, और टाइम लगेगा। खा के देख, अभी ये हो जाने के बाद खाना बनाते बनाते ये भी बना रही हूँ, वहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ। और चावल मेरा बन गया है, गोभी भी है मिक्स को, थोड़ा सा गोभी भी डाला था उसमें, प्याज कम हुआ था इसकी वजह से। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? लागे से सच हुआ था, सीजा है प्याज भी। तो गाइस थोड़ा सा नमक कम हो गया था तो ये देखिए नमक डाला है, और ऐसे ही मैं बटर करती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करती हूँ, इतना मीडियम होना चाहिए, मीडियम में बहुत अच्छा पकौड़ी बनता है। और दो बार तो निकाल दिया उसमें बिना नमक का, मतलब नमक डाला था ज़्यादा नहीं डाला था, और अभी केबेज भी डाला था ना इसकी वजह से नमक थोड़ा सा कम हो गया, तो अभी नमक डाला है। और उधर दाल चढ़ाई हूँ तो अभी
थोड़ा टाइम स्टॉप कर लेती हूँ खाना पीना खाने के बाद, फिर से मिलेंगे आप लोगों को, दिखाऊंगी मैं क्या लाई हूँ, वो तो दिखाना ही पड़ेगा ना, तो इसके वजह से थोड़ा टाइम के लिए खाना पीना तो वो सब करके, मेरा चार्जिंग भी नहीं है जो अभी जा रहे हैं चार्जिंग लगाने के लिए, तो आधा एक घंटे के बाद फिर से मिलेंगे खाना पीना खा के, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ और दिखाऊंगी। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए जो मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए, और मेरे वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करिएगा ज़रूर, और ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे भी, और क्या बोलूँ, इतना ही तो कर सक बोल सकती हूँ ना, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, कुछ रील देखना है। और मेरा मोबाइल का कवर और मोबाइल बहुत हैवी है, एक्चुअली हैवी बहुत है, मैं भी ऐसे ब्लॉग बनाती हूँ तो बहुत हाथ दर्द करता है, तो इसके वजह से ये बहुत टाइम नहीं धर पाती है, तो चलो जाके ये स्टॉप कर, नेट बंद कर और चार्जिंग में लगा दे, ओके बाद में तू टीवी देख जा, चलिए बाय। पिंकी पिंकी क्या हो सकता है गाइस बताइए, जैसे दिखाता है वैसा आता नहीं है ना, यही प्रॉब्लम होता है। वाह वाह वाह, चलिए ओ ओ ओ उधर खड़ा होके खड़ा होके खड़ा होके, तो रो 1 2 3 छोड़। क्या ड्रेस आया है गाइज मेरे लिए, ये ड्रेस ऑर्डर किया था जो आ गया है, तो ये देखिए तो चलिए मैं पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे लग रहा है, चलिए। सो गाइस देखिए मम्मी ने पहन लिया, लेकिन मैं इसका पापा को बिना पूछे मैं मंगाई हूँ, मुझे कैसा लग रहा है पता नहीं, मैं सोच रही थी अच्छा नहीं दिखेगा तो रिटर्न कर दूंगी और अच्छा दिखेगा तो मैं उसका पापा को बताऊंगी करके, बट पूरा फिट हो गया है देखिए, सिलाने का जरूरत नहीं, पीछे से भी देख सकते हैं, पीछे से भी पूरा फिट है और आगे से भी पूरा गाइस। तो देखिए मैं पहन ली हूँ कपड़ा, मतलब जो ऑर्डर किया हुआ था, और मैं सोच रही थी अच्छा नहीं आएगा लेकिन अच्छा आ गया, और देखिए पीछे से ऐसा है और आगे से ऐसा है, तो आगे से देखिए ऐसा है, देखिए इतना घेर है, और ये देखिए पीछे से, मेरे लड़की बोल रही है मैं भी ऐसे एक मंगाऊं करके, तो उसके लिए जब उसका साइज स्मॉल साइज रहेगा तो मंगाएंगे, और मैं ये इसको क्या करूंगी पता नहीं, ये तो झालर जैसा हिल रहा है, इसको शायद कट करूंगी, दादा का क्वेश्चन फैशन, ये फैशन है बोल रहे तो थोड़ा ऊपर से ऐसे दिखा, तो हाँ ऐसा अच्छा लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, तो गाइस प्रिंसेस प्रिंसेस ओह माय गॉड, तो मैं जिसमें एक दो रील्स ही बना के अपलोड कर देती हूँ, आप लोग जरूर से देखिए मेरे शॉर्ट चैनल में जाके, और चलिए मैं अभी चाय नाश्ता करती हूँ और 2-3 रील्स बनाऊंगी ज़्यादा नहीं, और ये हाँ ये नेट है, ये और ये नेट है, और सब कपड़े का है, लेकिन ये कॉटन नहीं है, क्या बोलते पता नहीं।
सो गाइस, देखा आप लोगों ने मेरा ड्रेस कैसा लगा आप लोगों को। और मैं ये ऑनलाइन मंगाई थी किसमें, फ्लिपकार्ट में, तो ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट में, जो मेरा आ गया। और भी आने वाला है, दो चीज़ मैं मंगाई हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे मेरा बाबू कैसे सोया है दिखाऊँ रे ये सोने के लिए आ गया है, देखिए। वो सुबह जाता है ना, सुबह सुबह 6 बजे ट्यूशन जाता है, इसके वजह से जल्दी सो जाता है। जल्दी सोता नहीं, ये लेट सोता है, और सुबह जल्दी उठता है। मैं बोलती हूँ जल्दी सो जा, तो सुनता ही नहीं, लेट ही सोएगा। और अभी मैं ब्लॉग भी बना नहीं सकती हूँ, बना नहीं पा रही हूँ इन लोगों की वजह से। ऐसे ही होता है कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं बस आप लोगों को मेरा ड्रेस दिखाने का था, और कुछ भी नहीं। मेरा ड्रेस आप लोगों को कैसे लगा, और इससे इसका मैं रील्स भी शॉर्ट चैनल में अपलोड कर दी हूँ। आप लोग प्लीज़ जाइए शॉर्ट चैनल को और देखिए कैसा है। अभी जो गाना ट्रेंडिंग है ना, वो कौन सा वाला, कौन सा रे वो, सुसे सुसे की खतरनाक सुई अकेला ऐसा सोएगा तो बाकी लोग कैसे सोएंगे। तो ये दोनों ऊपर सोएंगे, मैं सोऊंगी नीचे। मेरा चटाई है, उधर गद्दी है, वो गद्दी इधर डालूंगी और नीचे सोऊंगी। मस्त नींद आता है नीचे। और गुड नाइट बोल, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तो आप लोग स्वीट ड्रीम, टेक केयर। तो चलो जल्दी जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी जल्दी उठना है। मैं तो दोपहर को फिर सो जाती हूँ, तुम लोग तो सोते नहीं। और मेरा बाबू देखो ऐसा सोता है, इसलिए वो इरिटेट होके इसको मारती है, बहुत मारती है रात को। आहा, जो मेरे साथ रात को सोएगा उसे बॉक्सिंग मार मार भी खाता है और सोता भी ऐसे। देखो कौन सोता है ऐसे, पार्टीशन क्या है, फिर भी उसका पैर ये साइड आएगा। देखिए गाइस, देखिए पार्टीशन करके दोनों भाई बहन सोते हैं इस खटिया में। ये डबल बेड है, फिर भी इन लोगों को कम नहीं पड़ जाता है ये वाला। देख तो गोड़ है ना, दिस से दिख तो रहा है। वो पार्ट तो रखने वाली हूँ, और अभी ये सब मैं बंद कर देती हूँ विंडो। और मेरा छोटा डॉन भी सो गया, सोया नहीं उसको अभी रखा है, तो चीची मीमी कर रहा है। तो अभी मैं अभी रुक जा, मैं अरे मैं बिस्तर लगाती हूँ। गुड नाइट बेटा, शुभ रात्रि। ओ शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम्स बेटा, मीठा सपना, मीठा सपना, स्वीट ड्रीम्स। और टेक केयर बेटा, और टेक केयर बेटा, क्या बोल बोल, ख्याल रखना बोले है ना। शुभ रात्रि, मीठा सपना, ख्याल रखना। सपना मीठा मीठा देखना, खट्टा खट्टा मत देखना। ओके, आपको जैसे उधर आता है। हाँ यहाँ पे मुझे बहुत सपना आता है बाबा, लेकिन इस दीघा में सोना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस दीघा में सोना चाहिए। इस दीघा में ईस्ट नॉर्थ साउथ। ये मेरा ईयरफोन कर, और ये मेरा मोबाइल का स्टैंड। और सो गाइस, मैं नीचे कितना अच्छा से सो जाती हूँ, पूरा मस्त नींद आ जाता है। तो अब जा रही हूँ मैं हाथ पर धोने कपड़ा। मेरे लड़की बोल रही है अभी मम्मी जाएगी टॉयलेट, मैं टॉयलेट नहीं जाती अभी, मैं वॉशरूम जाऊंगी। वॉशरूम जाऊंगी क्योंकि मैं मेरा मुंह में जितना भी डस्ट रहता है पूरा दिन का, वो साफ करती हूँ और सोती हूँ रात को आइस लगा के। आइस लगाएंगे तो मुंह नहीं धोते, मुंह धोते तो आइस नहीं लगाते। कौन बोला आपने? नहीं गाइस, अभी मैं जा रही हूँ मुंह हाथ पैर धोऊंगी, फ्रेश हो जाऊंगी, ड्रेस चेंज करूंगी,
और आइस लगाऊंगी, उसके बाद मैं सोऊंगी। बस मेरा डेली का काम है ये, स्किन केयर। स्किन केयर, स्किन का बहुत केयर करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टर के पास, स्किन डॉक्टर के पास दिखा दिखा के मेरा डैमेज कर दी हूँ, मेरा स्किन को, फेस मेरा डैमेज हो गया है। तो अभी मैं वो गलती कभी नहीं करूँगी, जो भी होगा मैं खुद से कर लूँगी, लेकिन डॉक्टर के पास तो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। मैं, मुझे ये डॉक्टर दूसरा दवाई, एक डॉक्टर दूसरा दवाई, ऐसा दवाई मैं कर कर करके ना, ये देखिए और पिंपल्स भी ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। तो चलिए मैं वीडियो को, तो चलिए गाइस मैं वीडियो यही एंड कर रही हूँ। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा ड्रेस कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं और एक दो चीज़ ऑर्डर की हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आ जाएगा। तो मैं सोच रही थी ये इतना मतलब कम रेट में अच्छा आ गया ना, सोच रही थी मुझे नहीं होगा, और मैं थोड़ा सा अभी मोटी भी हो रही हूँ तो नहीं होगा मीडियम करके, लेकिन मीडियम साइज भी पूरा फिट हो गया। और फ्लिपकार्ट में कभी कभार अच्छा जो भी है, फ्लिपकार्ट में कभी कभार अच्छा भी मिल जाता है और कभी कभार ख़राब भी मिल जाता है, तो कपड़ा तो देख के लेना पड़ता है। मैंने जो एक लिया था और क्या हुआ मेरा तो पूछिए मत। तो चलिए मैं वीडियो को ये एंड कर रही हूँ। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। जो न्यू है एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। और बच्चे गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। ये सो गया और ये ज़्यादा इरिटेट, ये ज़्यादा इरिटेट होता है, मैं ऐसे बक 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 करती हूँ, तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग अभी स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो ये लोग नहीं रहते समय मैं ब्लॉग बनाती हूँ और रील्स भी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को डिस्टर्ब करके मैं अपना स्वार्थ नहीं देखती हूँ मैं कभी भी, चाहे मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ ये सब, लेकिन उनको भी आगे बढ़ाने के लिए मुझे पढ़ाई भी होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैं रील्स बनाने में लगा दूँ या कुछ उनको डिस्टर्ब करके मैं पहला अपना काम करूँ, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। और मैं जो भी कर रही हूँ बच्चों के लिए कर रही हूँ, कि बच्चे मेरा कुछ अच्छा से रहे, अच्छा से रह ही रहे हैं, लेकिन मैं उनको कुछ करके दूँ अपने पैसा से और अपने कुछ करके, इसके लिए मैं सब इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए सब मैं करती हूँ। और माँ बाप सब बच्चे के लिए ही सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे समझते हैं तो कोई कोई बच्चे नहीं समझते। माँ जो भी करती है अपने बच्चे के लिए करती है, वो सो भी गया है। सच में जो भी माँ जिस जो गलत करे या सही करे वो बच्चे के लिए करते हैं, अपने के लिए कोई नहीं करते हैं। तो बस मैं अपने बच्चों के लिए ही करती हूँ, कुछ मैं करूँ मेरे बच्चे के लिए ये सोचती हूँ, ये नहीं। मेरा शौक भी है और मेरे को थोड़ा अच्छा भी लगता है ये सब रील्स बनाना, ब्लॉग बनाना। मुझे नहीं आता था ना पहले, मुझे पता नहीं था कैसे डालना, कैसे अपलोड करना, क्या करना। बच्चे बड़े हो गए, मुझे बच्चे थोड़ा बहुत दिमाग दिए, बोले ऐसा करना वैसा करना। आजकल YouTube सब कुछ सिखा ही रहा है, तो क्या बताऊँ। अभी जो भी जिसको भी जो चाहिए YouTube से मिल जाता है। और मेरा बाल देखिए कितना लंबा हो गया, लंबा तो हुआ हुआ, ऐसे पतला हो गया, काटने वाली हूँ। मुझे काट के देगी थोड़ा कल, तो मैं बाल भी काटूँगी, थोड़ा लंबा हो गया है। और चलिए बाय, गुड नाइट।